नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यह बॉलीवुड की सात नाकचड़ी एक्ट्रेसेस जिनका घमंड रहता है सातवें आसमान पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सो नंबर वन पर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है क्योंकि वो है घमंडी नंबर वन। सलमान के दम पर इंडस्ट्री में कदम रखने वाली केट सलमान की भी ना हुई और रणवीर का दामन थाम लिया, लेकिन रणवीर से धोखा खाने के बाद वापस सलमान के पास आ गई। केट के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वो फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी और एक बच्चे ने उनसे कहा कि आंटी ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन केट ने बहुत देर बाद उसको देखा और उस पर भड़क गई। केट का यह व्यवहार देख एक अन्य यात्री ने केट को काफी खरी खोटी सुनाई। सो नंबर दो पर है रेखा। रेखा जितनी खूबसूरत है उतनी ही घमंडी भी। वो ना तो किसी से बात करती है और ना अपने बारे में किसी को ज्यादा जानने देती है, यहाँ तक कि वो अक्सर मीडिया पर गुस्सा भी होती है। रेखा के इसी घमंडी का एक ताजा उदाहरण है कि जब हाल ही में उनका सिक्योरिटी गार्ड कोरोना इन्फेक्ट निकला तो BMC ने एहतियातन रेखा और उनके घर में मौजूद अन्य लोगों से टेस्ट कराने की अपील की थी, लेकिन रेखा ने अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोला और लगातार 2-3 दिन तक टीम की कोशिशों के बाद भी रेखा ने टेस्ट कराना जरूरी नहीं समझा। हालांकि बाद में सुनने में आया कि शायद वो टेस्ट करवा सकती हैं, लेकिन यह उनके नकचड़ेपन का सबूत नहीं तो और क्या है। सो नंबर तीन पर है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर चेहरे से जितनी भोली दिखती है उससे कहीं ज्यादा वो घमंडी है। अक्सर मीडिया पर उन्हें भड़कते देखा गया है। वो ना तो खुशी खुशी मीडिया से बात करती है और ना ही फोटो के लिए पोज देती है। सो नंबर चार पर है जया बच्चन। जया बच्चन तो अपनी रूडनेस के लिए मशहूर है, चाहे प्रेस से बात के दौरान उनसे उलझकर उल्टा सीधा कहना हो या फिर सामान्य से सवाल पर भी गुस्से में आग बबूला होना हो, जया का यह घमंड जब जाहिर है। नंबर पांच पर है करीना कपूर। करीना कपूर है तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को मिले या वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाती, और यहाँ तक कि कोई फिल्म अभी साइन करनी पड़े तो वो यह जरूर ध्यान रखती है कि इसमें कोई दूसरी हीरोइन तो नहीं, अगर है तो उसका रोल बेबो से ज्यादा बड़ा या अच्छा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा करीना अक्सर मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकालती रहती है। नंबर छह पर है मलाइका। मलाइका अरोड़ा भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। उन्हें कमजोर और गरीब लोगों की मदद करना पसंद नहीं। इसके अलावा वो अपनी ही दुनिया में रहती है और कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह लगे कि इनका दिल दूसरों के लिए दुखी होता है। नंबर सात पर है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा काफी सजग रहती है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और को लेकर, लेकिन उनको भी लोगों से दुर्व्यवहार करते देखा है। कभी कभी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और बेवजह दूसरों उसका उनका शिकार हो जाते हैं। यही शायद स्टारडम का नशा होगा।